हेलो फ्रेंड, वेलकम टू किताब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को लेकर रेलवे ने यहाँ पे एक बड़ी अपडेट जारी किया है। जी हाँ फ्रेंड, रेलवे में 1,00,000 पदों के लिए जो ग्रुप डी की भर्ती निकाली गई थी 2019 में, उसके लिए एग्जाम को लेकर यहाँ पे रेलवे ने एक अपडेट जारी किया है। तो चलिए पूरा खबर को देखते हैं। और उससे पहले अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेलवे से जुड़ी जानकारी यहाँ पर मिलती रहे। तो देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल आज के ये हिंदुस्तान के अखबार में छपा है, रेलवे में 1,00,000 पदों पर जुलाई से भर्ती की परीक्षाएं शुरू। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे ग्रुप डी की जो भर्ती परीक्षा थी वो जुलाई से यहाँ पे स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। नई दिल्ली हिंदुस्तान ब्यूरो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1.5 साल में 10,00,000 सरकारी नौकरियाँ देने की घोषणा के बाद रेलवे ने भर्ती की कवायद जो है वो तेज कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया अपना जो है रेलवे वो तेज कर दिया है। भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के 1,00,000 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई से देशभर में कई चरणों में परीक्षाएं शुरू होंगी। तो यहाँ पे आपका भी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा वो भी कई जो है लेवल पर होगा, कई चरणों में होगा, जो सितंबर में समाप्त हो जाएगा। तो जुलाई से लेकर सितंबर तक ये आपका जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम चलेगा, जिसमें से 80% से अधिक पद जो है रेल संरक्षा वर्ग के हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रेल संरक्षा मतलब होता है रेलवे का जो सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट होता है वो पोस्ट है। ठीक है, तो इस बार जो ग्रुप डी है इसमें फ्रेंड ये सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है, जो बहुत ही ज़रूरी होता है रेलवे का कामकाज चलाने के लिए, रेलवे को चलाने के लिए। ठीक है, ट्रेनों को सुरक्षित चलाने का दायित्व इन्हीं के कंधों पर होता है, जो यहाँ पे इस बार इसमें से 80% है। मतलब 1,00,000 में से मान के चलते हैं 75,000 से 80,000 जो है वो रेल सुरक्षा के पद है, सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ग्रुप डी में 1,03,769 पोस्ट का जो है वो वैकेंसी आया था, पद रिक्त है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू करना तय हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, ये जो है न्यूज़ तय हुआ है, मतलब पूरा तरीके से यह फाइनल है कि जुलाई के जो अंतिम सप्ताह है, लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम जो है वो CBT स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। तारीखों का ऐलान 10 दिन जो आपका होता है वो जल्द ही घोषणा कर दिया जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद अब ग्रुप डी को ग्रुप सी का दर्जा जो है वो दिया गया। तो जो 7वां वेतन आयोग होता है, ठीक है, 7th पे कमीशन का जो यहाँ पे सिफारिश हुआ था उसका रिकमेंडेशन के बाद जो ग्रुप डी का जो पोस्ट है, जिसमें आपका रेलवे में इस बार 80% से अधिक जो है सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है, इसमें आपको जो है वो ग्रुप सी का दर्जा दिया गया। मतलब ग्रुप डी वाले को अब ग्रुप सी का जो होता है दर्जा वो दिया गया। ठीक है, वेतन में यहाँ कोई चेंजेस जो है वो किया गया हुआ थोड़ा बहुत, वो आगे बात करेंगे। जून 2023 में नियुक्ति, तो यहाँ पर आप कहा गया कि जून 2023 में इसका नियुक्ति तक हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप डी के में प्रमुख रूप से सुरक्षा से जुड़े कर्मचारियों की भर्ती होगी। इसमें गैंगमैन, कीमैन, हेल्पर, क्लासी और लाइनमैन आदि है। तो ये सब जो पोस्ट है रेलवे में फ्रेंड, ये सब जो पोस्ट होते हैं ये जो है सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट होता है, और इसका जो है भर्ती बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रेलवे का सारा जो कामकाज होता है ट्रेन को सही तरीके से सेफ्टी के तरीके से चलाने, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में इन पोस्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसका भर्ती जो है आपका 2019 में निकाला गया था और इसका एग्ज़ाम जुलाई में होगा और इसको आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा जून 2023 तक। ठीक है, अभी आपका चल रहा है, अभी आपका जून 2022 चल रहा है, तो 1 साल के अंदर में इसका सारा प्रक्रिया करके आपको ज्वाइनिंग भी दे दिया जाएगा। ये सही डेट यहाँ पे बताया गया, क्योंकि 1 साल आपका जो है लग ही जाएगा। CBT का एग्ज़ाम तो आपका अक्टूबर तक चलेगा, उसके बाद फिर आपका जो है वो अक्टूबर तक चलेगा, उसके बाद यहाँ पर जो प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ये सब करने के बाद आपको जून 2023 तक आपको जो है वो यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये अपडेट था, और जैसे कुछ इससे संबंध में कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी इसके अपडेट अगर आपको कुछ पूछना हो तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।